अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एरिक्सन का रेक्टिफायर इंस्टॉल करना है। तो ये हमने रेक्टिफायर इंस्टॉल किया है, ये इसकी रैक है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से ऊपर जो है ना वो एरिक्सन का रेक्टिफायर है, बाकी नीचे इनके अपना कोई सिस्टम है। ये रेक्टिफायर है और हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। उसको खोलो बस वहाँ से। ये इसका सिस्टम, ये रेक्टिफायर है और ये जो 125 एम्पीयर के ये दो हैं, ये ब्रेकर हैं डीसी के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये सिर्फ बैटरीज के लिए होते हैं, ये लिखा हुआ है बेट वन और बेट टू, ये दो ब्रेकर हैं बैटरीज के लिए। बाकी यहाँ से जो है ना वो RRU आप कर सकते हो, आप कोई भी सिस्टम आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये दो दो पीछे हमने लगा दिए हैं ना, ये दो ब्रेकर, ये हमने इसे वो ऊपर वाले RRU अप किए हैं, ये देख सकते हो, ये RRU हमने यहाँ से अप करना है, ये हमने लगा दिए। अभी हमने सिस्टम को ऑन नहीं किया, ये आप देख सकते हो, बंद करो इसको। अभी इसमें हम लगाएंगे मॉड्यूल लगाएंगे, ये रिक्शन के मॉड्यूल हैं। लगा यार इसको, लग गया। हाँ सही से बंद करो। इसके चार मॉड्यूल होते हैं रिक्शन के, रिक्शन में भी और वर्ट्यू में भी, हवावे में भी चार मॉड्यूल होते हैं। लगा दिया। ये तीसरा मॉड्यूल है। ये इसका चौथा मॉड्यूल हो गया। लगा दिया। अब यहाँ से हमने इसको अप करना है। अभी इसका पावर आया, ये एक फेज है एल, फेज, हाँ ये फेज है, सही। ये एल एन, ये न्यूट्रल है न्यूट्रल हमारा है। पास, सही हाँ है। ये हमारा पास GND है, GND, सही है। और ये भी, ये न्यूट्रल के साथ हमने ये न्यूट्रल को लूप न्यूट्रल किया है, लूप किया है, ये GND के साथ ये इस GND GND लूप किया हमने है, लूप किया है। ठीक हो गया। PE, इधर GND के लिए हम हमारा पास है PE, सही है। तो ये PE से ये PE लूप किया है लूप किया है, और न्यूट्रल के लिए हमारा पास है एल एन, N। सही है। एल एन मतलब न्यूट्रल, सही है। इससे हमने ये न्यूट्रल लूप लूप किया किया है, है, सही है। अभी हमारा पास ये है तीसरा पेज है, फेस। हाँ तो तीसरा पेज के लिए अभी चौथा पेज हमारा पास नहीं है, नहीं है, तो इसके लिए हमने तीसरा पेज से फेस चौथा फेस चौथा लूप पेज लूप लूप किया। किया है, सही है। तो अभी हमारा पास इधर GND इधर लूप लूप किया है, तो इधर हमारा पास एक GND और भी था, तो ठीक हो यही गया। GND के साथ हमने ये GND अच्छा ठीक, लूप अभी किया मैं है। बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा है फेज़ वन, ये हाँ हमारा है फेज़ टू, ये हाँ हमारा है फेज़ थ्री, पेज ठीक थ्री, है। और ये हमारा है न्यूट्रल, ये भी हाँ न्यूट्रल। ये भी अभी न्यूट्रल, यहाँ से ये हमारा है फेज़ वन हाँ और ये हमारा है फेज़ टू। पेज टू इस फेज़ टू को इससे के साथ हमने क्या किया, लूप किया है। लूप किया है। हमारा पेज टू हमारा पास फोर है, तो पेज थ्री, अभी हमारा पास पेज थ्री होता है ना, अभी हमारा पास फोर है, तो इसके लिए हमने एक लूप लिया है पेज ठीक फोर है के लिए, ठीक है ठीक है, सही है। तो GND हमारा पास एक होता है, तो अभी इधर हमारा पास सही GND सही है है। फोर है, अब हाथ हटाओ, मैं ज़रा तो इसको एक दूसरे के दिखाऊं, साथ हमने ये लूप किया हमने है। लूप किया है, देख सकते हो। ये हमारे पास ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ठीक है। L1 हो गया हमारा फेज़ वन, L2 हमारा हो गया फेज़ थ्री, फेज़ टू, L3 हमारा हो गया फेज़ थ्री, और ये हमारा L4, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने फेज़ हैं, थ्री फेज है, यहाँ पर तीन फेज हैं, एक फेज नहीं है, इसलिए हमने इस फेज को, ये L4 हमने क्या किया, लूप किया है।
सही है, ये देख सकते हो आप, ये इस तरह से हमने इसका काम किया हुआ है, आप देखो। अच्छा फिर ये यहाँ से ये इसकी एसी पावर गई है ऊपर रेक्टिफायर एसी डीवी में गई है, सही है। ये एसी डीवी में गई है और ये हमारा है ब्रेकर है ना, ये ब्रेकर है, ब्रेकर है। हमारा पास तीन फेज है ठीक हो गया, तीन फेज है तो हमने इधर से सिर्फ तीन फेज लिए हैं। और यहाँ से ये देखो ये क्या है, ये इसकी है जीएनडी, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे यहाँ लगा दिया हमने, इसकी ग्राउंडिंग हमने यहाँ लगा दी और न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगा दिया, बाकी ये हो गया फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, ये लगा दिया, ठीक है। अभी आप इसको ऑन करो, एक मिनट, रेक्टिफायर को ऑन करो आप, एक मिनट, हो गया, हाँ रेक्टिफायर ऑन, अब रेक्टिफायर ऑन हो गया, आप देख सकते हो ये रेक्टिफायर ऑन हो गया। बस ठीक है, अभी ये जो नीचे वाला सिस्टम है इसको भी ऑन करना है ना, इसको भी ऑन करना है, सही है। इसके पास हमारे पास केबल है, डीसी केबल, डीसी केबल सही है, पावर अप करेगा ये, इससे भी पावर अप कर सकते हैं, नहीं नहीं इससे कर सकते हैं, ये रेक्टिफायर का पूरा इंटरनल सिस्टम है, ये देख सकते हो हमने यहाँ से इसको ऑन किया, एक बार फिर इसको गौर से देखो, और आरयू को ऑन करो यार, ये दोनों और आरयू को ऑन करो, ऑन करो इसको, अब देखते हैं कि आरयू ऑन है कि नहीं है, बस बस हाँ और अभी ऑन है, ठीक है ऑन हो रहा, ठीक, बस इसको बंद करो अभी, अब उसको नीचे लेके आओ, बंद करो बस, अब ये बंद करो इसका ऊपर वाला केसिंग, बंद करो इसकी, अब ये लगाओ, ये पिचकस लगाओ,